जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा विधि के बारे में, महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष करके इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सब आगे के प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो या वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजन का क्या समय होगा उस दिन, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे जो कि अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। अपरा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। यह व्रत महान यश प्रदायक व्रत है। ब्रह्म हत्या, भूत, प्रेत, पिशाच, योनि से मुक्ति दायक है। पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत जो कि लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय है, इस व्रत में शेष शैया पर विराजमान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है और एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंड दान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति, मृत्यु के बाद फिर भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए, दांतों में कोई भी अन्न का रेशा न होने पाए इस बात का ध्यान रखें। और दशमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि इन तीन दिनों तक जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि जो कि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। हमारे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह प्रभु से कहें
और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इन मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। मन ही मन जहाँ तक हो सके भगवान नाम का स्मरण अवश्य ही करनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करें। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 मई 2023 दिन रविवार रात्रि 2:47 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 15 मई 2023 दिन सोमवार रात्रि 1:05 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार जो प्राप्त हो रहा है एकादशी व्रत के लिए समय, वह समय 15 मई 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 16 मई 2023 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 मई को रात्रि 11:38 पे। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा वह पारण 16 मई 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:47 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल या जल से व्रत का पारण करें, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा 15 मई को, वह समय सुबह 6:53 से सुबह 8:34 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और 16 मई को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 3:15 से शाम 4:55 तक राहु काल का समय होगा। योग जो कि विषकुंभ योग रात्रि 1:28 तक। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:08 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रत धारक को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से जो कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। संपूर्ण दिन व रात्रि जो कि शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्यों के साथ ही व्यतीत करनी चाहिए। अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा ही वातावरण होना आवश्यक है। झूठे कपटी, व्याभिचारी, मांस, मदिरा, पान आदि करना अथवा ऐसों की संगति इस दिन निषिद्ध मानी गई है, यह सब नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो कि समाज के लिए कलंक होते हैं, यह लोग ओला की संज्ञा में आते हैं। जैसे ओला दूसरों का अहित करने के पश्चात स्वयं भी गल जाता है, उसी प्रकार ऐसे लोग भी दूसरों को नष्ट कर स्वयं भी पतन के गर्त में चले जाते हैं। उपासना वाले दिन जिस दिन व्रत करना हो शास्त्रों के अनुसार
उस दिन शयन नहीं करनी चाहिए, खास करके तो दिन में शयन ना ही करे, दिन में ना सोए, रात्रि में भी नहीं सोनी चाहिए, जागरण करना चाहिए जहाँ तक बन सके। व्रत धारक को जो कि दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करनी चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मसूर की दाल, कोदो, चावल, साग, दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि भोजन ये सब नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, तांबूल, दातुन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी भी जीव को इस दिन नहीं सताना चाहिए। द्वादशी के दिन भी कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण। इस दिन अपरा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान के पूजन के लिए चाहिए कि जो भी व्रत धारक हैं, अगर मंदिर में भगवान का पूजन कर रहे हो तो मंदिर में कर ले, यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। नहीं तो घर पे ही करते हो तो घर पे पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि मान लीजिए अपने घर के ईशान कोण में सबसे अच्छा पूजन के लिए है तो वहाँ पे अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़के और फिर भगवान के पूजन के लिए एक आसन लगाए, चौकी लगा करके उस पे पीला वस्त्र बिछा करके लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करे, वहीं पे अपने लिए एक आसन लगाए और फिर उसपे जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और फिर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उनसे प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद फिर कलश देवता का पूजन करना चाहिए, कलश में जो कि तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करना चाहिए। कलश पूजन होने के बाद फिर नवग्रह, इंद्र आदि दस्तिपाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए, रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाएं, उसके बाद फिर यज्ञोपवीत अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें, पीला पुष्प चढ़ाएं। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है तो इन्हें तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान को तुलसी के बिना इनका पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद फिर काले तिल भगवान विष्णु को चढ़ाएं, काले तिल ना हो तो सफेद तिल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें, अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाए जाते हैं, अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं तो अक्षत नहीं चढ़ाए, उसके जगह पे भगवान को काले तिल अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। नैवेद्य में दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए, अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि का भोग लगाए। विशेष करके भगवान विष्णु को इस दिन जो कि ककड़ी का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान को जहां तक हो सके नैवेद्य का भोग लगाए, उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद जल भी अवश्य ही देनी चाहिए। तो भगवान को जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करें, महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर अपरा एकादशी व्रत, महात्मय कथा आदि का श्रवण करें, आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।